नमस्कार, मैं भाग्यश्री वीकेवी न्यूज की दोपहर की खबरों में आपका स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दसवीं के नतीजे घोषित, इस साल भी लड़कियों ने ही मारी बाजी, 97% लगा नागपुर विभाग का नतीजा। ईडी कार्यालय के सामने कांग्रेस का धरना प्रदर्शन, बैरिकेड तोड़ अंदर घुसने की वजह से युवा कांग्रेस महासचिव बंटी शेल के पुलिस हिरासत में। अबू खान के खिलाफ शिकायत दर्ज होने के बावजूद अभी तक पीड़ित परिवार को नहीं मिला न्याय, पीड़ितों ने पत्रकार परिषद में न्याय के लिए लगाई गुहार। विस्तार से, आज महाराष्ट्र बोर्ड की तरफ से दसवीं के नतीजे ऑनलाइन तरीके से घोषित हुए हैं। इसमें नागपुर विभाग का नतीजा महाराष्ट्र में चौथे नंबर पर है। इस वर्ष नागपुर के 1,360,000 बच्चे दसवीं की परीक्षा में सहभागी हुए थे, उनमें से 1,49,000 बच्चे पास हुए हैं। नागपुर विभाग का दसवीं का नतीजा 97% लगा है, इस साल भी लड़कियों ने बाजी मारी है। ऐसी जानकारी अध्यक्ष नागपुर मंडल बोर्ड चिंतामन वंजारी ने दी। यहाँ पे यानी नागपुर विभाग का जो रिज़ल्ट लगा है महाराष्ट्र में चौथे नंबर का लग गया है। ओवरऑल रिज़ल्ट है 97% लगा है। कुल नागपुर विभाग में 1,55,360 बच्चे प्रविष्ट हुए थे, उनमें से 1,49,133 बच्चे पास हुए हैं, यानी ओवरऑल 97% बच्चे पास हुए हैं। और जो रहा कि ओवरऑल रिज़ल्ट लड़कियों ने यानी यह साल भी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। लड़कियों ने 98.18% रिज़ल्ट में पास हुए हैं और लड़के 95.88% पास हुए हैं। अपने विभाग में जो नक्सलाइज है और दुर्गम भाग हैं, यानी कि गढ़चिरौली जिला है, गढ़चिरौली जिले में 14,542 विद्यार्थी परीक्षा में प्रविष्ट हुए थे, उनमें से 13,509 बच्चे परीक्षा में पास हुए हैं। ओवरऑल रिज़ल्ट 95% ऐसा लगा है। नागपुर विभाग में सबसे कम रिज़ल्ट गढ़चिरौली जिले का लगा है। अभी तो कारण की मीमांसा किया जाए तो जो परसेंट है, पासिंग परसेंट है, उसमें ज़्यादा फर्क नहीं है, कम ज़्यादा तो होना ही है। 96.62% यानी मुझे बहुत ही अच्छा है, यानी ज़्यादा फर्क नहीं है, 97 नियर है। पचोरा शहर के कृष्णपुरी क्षेत्र में कुछ अधूरे पड़े मकानों के अधूरे कामों को पूरा करने के साथ ही सामने के प्लॉट धारकों के अतिक्रमण को भी हटाकर गलियों में भूमिगत नाले और गलियों के बीच में बिजली के खंभों को सड़क के एक तरफ किया जाए, ऐसी विविध मांगों के लिए पचोरा नगरपालिका की मुख्याधिकारी शोभा बाविस्कर को स्थानिक महिलाओं द्वारा निवेदन दिया गया। पचोरा शहर के कृष्णापुरी इलाके में लगे अतिक्रमण को हटाने का आदेश दिया गया था, लेकिन नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों ने जहां से गली की शुरुआत होती है वह जिनके घर है उनका अतिक्रमण नहीं हटाया। पूरी गली में अगर आपको कोई बाधा नहीं आ रही तो आप उस काम को एक घर के लिए अधूरा क्यों छोड़ देते हैं? इससे पूरी गली के नागरिकों के साथ अन्याय हुआ है। एक मकान के अतिक्रमण को तत्काल हटाया जाए और सड़कों पर बह रहे गंदे पानी के कारण लोगों को होने वाली असुविधा को देखते हुए जल्द से जल्द भूमिगत नाले का निर्माण किया जाए। कृष्णापुरी क्षेत्र में उस गली में जहाँ से अतिक्रमण हटाया गया है वहाँ सामने वाले प्लॉट धारकों का उपयोग न होकर भी उन्होंने उस क्षेत्र पर भी कब्जा कर लिया है। लेआउट के अनुसार अतिक्रमण निकालने वाले थे, उन्होंने भी गली में गंदा पानी छोड़ा है। गली के लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई घरों के बाथरूम भी अतिक्रमण में तोड़ दिए गए हैं। महिलाओं को सुबह 4 बजे उठकर स्नान करना पड़ता है क्योंकि उनके पास नहाने के लिए बाथरूम तक नहीं है। पूरी गली पर कब्जा कर लिया गया और एक भी घर पर अतिक्रमण नहीं किया गया। हम इस अन्याय को ज़्यादा दिन बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह मानकर कि गली में छोटे बच्चे हैं, आपको कुछ घरों के आंशिक अतिक्रमण को हटा देना चाहिए और वहां सड़क को साफ करना चाहिए। पचोरा प्रमुख शोभा भाविस्कर को आज एक निवेदन में मांग की गई कि सामने के प्लॉट धारकों के अतिक्रमण को भी लेआउट के अनुसार हटाया जाए। कृष्णापुरी मधील अतिक्रमण काढलेले तिथल्या नागरिकांनी सहकार्य केलं, त्यांनी कोणत्याही प्रकारचं विरोध न करता आम्हाला अतिक्रमण काढून दिलं। आता अतिक्रमण काढलं, पण अतिक्रमण काढल्यानंतरचा त्यांचं पुढची समस्या आहे की त्यांना तिथे पाणी जायला जागा नाही आहे। तर आता त्या महिलांचं निवेदन मी आता स्वीकारलेलं आहे।
आणि दुपारी 3 वाजता इंजिनियर आणि मी स्वतः तिथे जागेवर जाऊन पाहणी करते आणि पाहणी केल्यानंतर तिथे जर गटर वगैरे करावी लागली तात्काळ तर गटर होणार नाही परंतु तिथे पाईप टाकून आपण ते पाणी काढण्याची व्यवस्था मी तात्काळ ते करून देते तसं मी त्या महिलांना सगळ्यांना आता सांगितलं. आणि दुसरं तिथे रस्ता पण करून द्यावा लागेल त्या रस्त्याचं पण आपण म्हणजे नियोजन करू लगेच होणार नाही पण 1-2-3 महिन्यामध्ये तो रस्ता सुद्धा मी करून देते तिथे आणि त्यांना जायला यायला पण तिथे रस्ता नाही आहे किंवा अडचणी होत आहे तेव्हा थोडीशी समस्या आहे त्यांची तर ती आपण निश्चितच पुढच्या 2 महिन्यामध्ये ती मी दूर करून टाकेल. सगळ्यांसाठी तुम्ही सहकार्य करा. लहान लहान मुलं आहे गल्लीमधी जे काही काम केलं तुम्ही ते अपुरं सोडू नका पूर्ण करा. माझं नाव सीमा वनराज माळी आहे. आम्ही पाचोऱ्या भागात राहतो कृष्णापुरी भागामध्ये. आम्हाला पाण्याची पाईपलाईन नाही आहे. गटारींचं पाणी गल्लीत वाहतं अक्षरशः. आमचे लहान लहान मुलं त्या पाण्यात खेळतात. आम्हाला भरपूर त्रास आहे आणि नगरपालिकेला आमची एवढीच मागणी आहे आम्हाला व्यवस्थित अतिक्रमण काढून रोड करून द्यावा आणि आमची समस्याची पूर्णता करावी. मी रत्ना पाटील बोलते. आमची समस्या आम्ही राहतो पण आमच्या भागात कचरा गाडी येत नाही काही येत नाही त्यामुळे आमच्या भागाचं अतिक्रम काढल्याबद्दल आमचं काही म्हणणं नाही आहे. परंतु ना आम्हाला सगळं सुख सोयी उपलब्ध पाहिजे त्या ठिकाणी. आम्हाला नाल्या नाही आम्हाला नळांचा प्रॉब्लेम नाही आणि आमच्या मुलांना रस्ता नव्हता म्हणून रस्ते केलं म्हणून आम्हाला हे सगळं आता सगळं योग्य प्रकारे करून घ्यावं. आमच्या इथे आमचे वटे वगैरे सगळे तोडले तरी आम्हाला वापरायला जागा नाही. पाणी भरपूर वाहतं शिवीगाळी करता दोघाकडनं जागा मोजायची आणि आम्हाला रस्ता करून द्यायचा पाईपलाईन बत्तीच्या खांबे वगैरे आम्हाला योग्य शिकून द्यायचं हीच मागणी आमची. माझं नाव मयूर रामदास महाजन. मी राहणार कृष्णापुरी येथे आहे. अशोक बळीराम महाजन यांच्या घरामागील गल्लीत सुमारे 20 वर्षापासून अतिक्रमण झाले होते. ते अतिक्रमण कधीही निघत नव्हते परंतु मी 1 वर्षापासून अतिक्रमणाचा अर्ज देखील त्याला ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करून देखील काही विचार झाला नाही. परंतु CEO मॅडमांनी ते मनावर घेऊन ते गल्लीतील अतिक्रमण काढले. परंतु बापू राजाराम पाटील यांच्या घराचे अतिक्रमण देखील सोडले. त्यांची मिसेसचं असं म्हणणं आहे की पैसे असले तर सगळं काही होतं. तर आम्ही पूर्ण गल्लीचं अतिक्रमण निघालं परंतु आमच्या घराचं काहीच अतिक्रमण निघालं नाही आणि आमचं कोणी काहीही करू शकत नाही. सर हा जो त्यांचा भ्रम आहे तो मॅडमांनी लवकरात लवकर काढावा. आणि समोरील प्लॉटवाले त्यांचं देखील अतिक्रमण झालेलं आहे ते अतिक्रमण देखील लवकरात लवकर निघावे व गल्लीतील व रस्त्यामध्ये येणारे लाईट पोल जे असतील बत्तीचे पोल तर ते बाजूला करण्यात यावे असे निवेदन आज रोजी मी गल्लीतील महिलांना घेऊन पाचोरा येथील नगरपालिकेत CEO मॅडम यांना दिलेले आहे. CEO मॅडमांनी त्या अर्जाचा विचार करून लवकरात लवकर पुसद तालुका में पुसद से दिग्रस रोड पर ईगल कंपनी द्वारा चलाए जा रहे रोड के साइड पर गीली मिट्टी और गीली मिट्टी का मसाला डालना बंधनकारक होने के बावजूद रोड के साइड पर सिर्फ मिट्टी भरी जा रही है. सार्वजनिक बांधकाम उप विभाग पुसद ध्यान न देने का ढोंग कर रहा है. पुसद से दिग्रस तक सड़क पर हो रहे काम में हो रही अनियमितताओं की जानकारी लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को देने के बावजूद किए जा रहे कार्यों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है. इस मुद्दे पर स्थानीय समाज सेवी मस्जिद खान ने रोष व्यक्त किया है. इससे पहले भी जायसवाल के पेट्रोल पंप के सामने बनी सड़क 8 से 9 इंच ही खुदाई कर बनाई जा चुकी है. सड़क की दोनों तरफ गीली मिट्टी और मसाले की जगह सिर्फ मिट्टी और बड़े बड़े पत्थर लगाए गए हैं. सामाजिक कार्यकर्ता मजीद खान और बाबाराव उबाले ने इन सभी कदाचार की जानकारी PWD इंजीनियर को दी लेकिन फिर भी उन्होंने साइट पर आकर नहीं देखा और काम भी बंद नहीं करवाया गया जिसकी वजह से सार्वजनिक बांधकाम विभाग के कर्मचारियों के आर्थिक संबंध होने का आरोप लगाया जा रहा है. लोक निर्माण अनुमंडल पुसद द्वारा वरुड़ के नागरिक इस भ्रष्टाचार को तत्काल रोकने की मांग कर रहे हैं. येथे BNC मार्फत हे जे काही ठेकेदाराच्या वतीनं हे काम चालू आहे. याच्यामध्ये निव्वळ काळी माती हे जे साईडवरनी चालू आहे काळी माती आणि मोठमोठाले गोटे आणि दगड आहे याच्यामध्ये आणि याची हे लेवलिंग चालू आहे. हे निकृष्ट दर्जाचे काम होत आहे आणि पावसाळ्यामध्ये याच्यामध्ये अपघात व्हायची पण शक्यता आहे. याच्यामध्ये चिखोल मोठ्या प्रमाणात होणार आहे आणि या ठिकाणी मुरुम टाकाऐवजी हे काळी माती आणि निव्वळ मोठमोठाले गोटे टाकणं चालू आहे. आणि आम्ही प्रशासन उप अभियंता श्री झळके साहेबांना फोन पण केलेला आहे याच्यामध्ये पण संबंधित कर्मचारी अधिकारी याची दखल घेत नाहीत. तरी प्रशासनाने याची दखल घ्यावी अशी आमची गावकऱ्याच्या वतीनं विनंती आहे. खबरों के सिलसिले में वक्त हो चला है ब्रेक का. मिलते हैं ब्रेक के बाद. लव यू दीपिका.
बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 degree 3 job opportunities। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटका बैंक, नागपुर। बॉस ने मीटिंग बुलाई। क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो, बार बार उठो बैठो उठो बैठो। जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com। आपका स्वागत। नागपुर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ईडी कार्यालय के आगे धरना प्रदर्शन किया। ईडी की ओर से राहुल गांधी की हो रही पूछताछ को लेकर कांग्रेस ने ईडी के खिलाफ आंदोलन शुरू किया है। उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। युवा कांग्रेस के महासचिव बंटी शेलके व कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड्स को तोड़कर अंदर जाने की कोशिश की। पुलिस ने उन्हें और अन्य कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। आज गांधी परिवार के साथ ये मोदी सरकार जो अन्याय अत्याचार कर रही है, कोई भी कारण नहीं है, लेकिन ईडी के माध्यम से उनको बार बार बुलाना, चौकसी के लिए उनका मानसिक छल करना, यह आज ये देश की जनता को सहन नहीं हो रहा है। गांधी परिवार का बहुत बड़ा त्याग है देश के स्वतंत्रता के लिए, उसके खिलाफ ये जनता रास्ते पे आई है। मौदा में 16 जून की शाम असोली शिवार में राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुए हादसे में 30 वर्षीय हरिदास विट्ठल भूटे की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक अपनी मोटर बाइक पर नागपुर से भंडारा जा रहा था कि तभी एक टैक्सी चालक ने उसी मार्ग पर अपना वाहन रोक दिया और उसी समय मोटरसाइकिल सवार के पीछे से जेसीबी जा टकराई। असोली शिवार में अचानक टैक्सी रुकने से मोटरसाइकिल और टैक्सी की टक्कर हुई। इस हादसे में मोटरसाइकिल चालक की मौके पर ही मौत हो गई। मौदा पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। इस मार्ग में बड़ी संख्या में काली पीली टैक्सियां चलाई जाती है, लेकिन वे हमेशा यातायात नियमों का उल्लंघन करते हैं, जैसे कि बिना रुके यात्री स्थान पर विपरीत दिशा में वाहन चलाना, अचानक ब्रेक लगाना और क्षमता से अधिक यात्रियों को ले जाना। इस पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। VKB न्यूज के लिए कामठी से नितिन रावेकर की रिपोर्ट। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को नोटिस जारी किया है, जिसके चलते कांग्रेस आक्रामक हो रही है। अमरावती जिला कांग्रेस ने राहुल गांधी को जारी नोटिस के खिलाफ अमरावती जिला कलेक्टर कार्यालय में धरना दिया। कांग्रेस नेताओं ने ईडी पर भाजपा के लिए बलि का बकरा होने का भी आरोप लगाया है। इस मौके पर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी की गई। कांग्रेस नेताओं ने ईडी पर भाजपा के लिए काम करने का भी आरोप लगाया। हाँ, ईडी नावाचा जो भाजपचा घरगड़ी है त्याच्या विरोधात आणि भाजप सरकारच्या विरोधात ही निदर्शन आहे। जे प्रकरण केव्हाच संपलं त्या प्रकरणाला पुन्हा शिळ्या कढेला ऊत आणण्याचा भाजपचा हा प्रयत्न आहे आणि एका राष्ट्रीय स्वातंत्र्याच्या चळवळीत स्वातंत्र्यात सहभाग असलेल्या वृत्तपत्रांचा
बळी घेतल्यानंतर आता काँग्रेसला घाबरवण्याचे हे हातखंडे सुरू आहेत भाजपचे, त्यामुळे ईडी नावाच्या घरगड्याला काँग्रेस घाबरणार नाही। एवढंच नाही तर फार मोठ्या प्रमाणात आता काँग्रेसवाले या सर्व मोदीगिरी विरुद्ध लढणार आहेत, रस्त्यावर काँग्रेसवाले उतरलेले आहेत। काँग्रेस पक्षाचे ज्येष्ठ नेते राहुलजी गांधी आणि काँग्रेस पक्षाच्या वर्किंग प्रेसिडेंट सोनियाजी गांधी यांना जी ईडीने नोटीस दिलेली आहे त्याच्या विरोधात आजचे निदर्शन आम्ही करत आहोत। दोन वाक्यात समजा सांगायचं म्हणजे आज जे इथे लोकांनी नारे दिले उत्स्फूर्तपणे, जब जब भी मोदी डरता है ईडी को सामने करता है, या दोन वाक्यामध्येच मला वाटतं मती तारतात। जी केस 2015 हायकोर्टाने खारिज केली होती तेव्हा मोदीजीचं सरकार होतं, मोदीजीच पंतप्रधान असतात, ती 2022 पुन्हा उकळून काढायचं काही कारण नव्हतं। पण मला वाटते उदयपूरमध्ये जे काँग्रेसचं अत्यंत चांगलंसं शिबिर झालं आणि काँग्रेसला पुन्हा पुनर्जीवित करण्यासाठी पण सगळ्यांनी घेतला, तसंच मागच्या चार निवडणुकीमध्ये जो चार राज्याच्या निवडणुकीमध्ये जो भारतीय जनता पक्षाला पराभव पत्करावा लागला त्याच्यामुळे खडबडून जागे होऊन आपल्या विरोधी नेत्यांना घाबरण्यासाठी ईडीला समोर करण्याचं यांचं षडयंत्र आहे। ईडीने आपली विश्वासार्हता पूर्ण गमावलेली आहे। आजपर्यंत 5,443 केसेस त्यांनी रजिस्टर्ड केल्या, त्याच्यामध्ये फक्त 23 केसेसमध्ये दोषारोपण केलं, म्हणजे 5,443 फक्त 23 केसेसमध्ये तुम्ही 8 वर्षात दोषारोपण करता, याचाच अर्थ ईडीला ईडीच्या नावाने दहशत निर्माण करायची आणि विरोधी पक्षातल्या नेत्यांना घाबरून सोडायचं हा राजकीय दहशतवाद करण्यासाठी त्यांनी ईडीला समोर केलेलं आहे। म्हणून ईडीच्या बाबतीत लोकांचं मत अत्यंत देशात खराब झालेलं आहे। ईडीने स्वतः ईडीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी स्वतः विचार करावा की आपण यांच्या हाताचं बाहुलं बनून ईडीसारखी एवढी मोठी संस्था आपण नेस्तनाभूत केलेली आहे आणि ह्या सर्व गोष्टीची जागृती करण्यासाठी आम्ही हा केलेला आहे। ज्या राहुलजीवर सोनियाजीवर जर ईडीने कारवाई केली तर देशातली जनता पेटून उठेल आणि पुन्हा मोदीजींचं सरकार येणं मुश्किल होईल, त्यामुळे मला असं वाटतं की ईडीनी हा पुनर्विचार करावा आणि मोदीजींनी सुद्धा ईडीला राजकीय दहशतवादाच्या स्वरूपात वापरू। कुख्यात अपराधी आबू उर्फ फिरोज खान ने पूरे विदर्भ में गांजे और ड्रग्स का गोरख धंधा फैलाया है। इतना ही नहीं, गरीब और कमजोर 5 लोगों को धमका कर आबू और उसके भाइयों ने उनकी जमीनों पर कब्जा जमाने का काम भी किया है। ताजाबाद की निराला सोसाइटी में रहने वाले एक पीड़ित परिवार को भी आबू और उसके भाइयों ने धमका कर बेघर कर दिया है। पिछले 14 वर्ष से यह पीड़ित परिवार अपने ही घर से बेघर हो गया है। वही आज भी पीड़ित परिवार के मकान में आबू के 4 किरायेदार रह रहे हैं। नागपुर पुलिस ने आबू को भंडारा से गिरफ्तार किया है। पीड़ित परिवार को न्याय मिले इसलिए शिकायतकर्ता फिरदौस खान ने नागपुर में हुई पत्रकार परिषद में गुहार लगाई है। पुलिस ने अवैध धंधों से कमाई आबू की संपत्ति को अपराधी आबू उर्फ फिरोज खान जब्त करने की तैयारी भी दिखाई है। ऐसे में पीड़ित परिवार को उम्मीद है कि अब उन्हें भी न्याय मिलेगा। पीड़ित परिवार की शिकायत पर पिछले वर्ष क्राइम ब्रांच ने आबू और उसके भाइयों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया, लेकिन परिवार को अब तक उनका घर नहीं मिल पाया है। शिकायत दर्ज कराने के बाद परिवार को धमकाया भी जाने लगा था। पीड़ित फिरदौस खान ने बताया कि निराला सोसाइटी में उनके 3 प्लॉट और 1 मकान है। आबू और उसके भाइयों ने वर्ष 2007 में पीड़ित परिवार को धमका कर मौजा दिघोरी में प्लॉट क्रमांक 11, 12, 13 सहित मकान पर कब्जा कर लिया। परिवार को धमका कर महल के रजिस्ट्री कार्यालय ले जाया गया, जहां अबू व उसके भाइयों व अपने रिश्तेदारों के नाम कागजात तैयार कराए और उस पर पीड़ित परिवार से हस्ताक्षर करवाए। धमकियों के डर से परिवार वर्षों तक इधर उधर भटकता रहा है। कुछ लोगों का सपोर्ट मिलने से अगस्त 2021 में परिवार के फिरदौस खान ने अपराध शाखा में यह पूरा मामला बताकर अबू और उसके भाइयों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, लेकिन पीड़ित परिवार को अब भी न्याय नहीं मिला है। आलम यह है कि शिकायतकर्ता सड़कों पर सोने के लिए मजबूर है, वहीं उनकी बहन दूसरों के घर में बर्तन धोने का काम कर अपना गुजर बसर कर रही है। पीड़ित परिवार को न्याय मिले इसलिए शिकायतकर्ता फिरदौस खान ने नागपुर में हुई पत्रकार परिषद में गुहार लगाई। हमारी ये विनंती है कि हमारा घर हमको चाहिए। अभी उसकी गुंडे रह रहे हैं वहाँ पर, उसकी गुंडों का कब्जा है, हमको हमारा घर चाहिए। हम बहुत परेशान हैं, हमारा फुटपाथ पे है हमारा भाई, हमारी बहनें किराए के मकान में रह रही है, बर्तन मांझ रही है, हम बहुत परेशानी उठा रहे हैं, हमको हमारा घर चाहिए। तो अभी दोपहर की खबरों में बस इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ, तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज़। नमस्कार।